तो आज का हमारा टॉपिक है बर्थिस डिसीज, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीटली समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चार पांच नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम है, उन सब नामों को भी कंप्लीट करेंगे। मेन है क्या, बर्थिस डिसीज क्या है, उसके नीचे लिखा हुआ है हिप नेक्रोसिस। यानी नाम से इतना तो समझ आ गया कि जो हमारा हिप जॉइंट है उसमें नेक्रोसिस हो रहा है। वॉट इज नेक्रोसिस? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, किसी भी हिप यानी हिप बोन, अगर हिप बोन में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या हो जाता है वहां पर, नेक्रोसिस में हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, डिग्रेड होना, सड़ना, नेक्रोसिस होना। यानी कोई भी चीज नेक्रोसिस कब होगी बॉडी में, कि जहां जब उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। क्यों ब्लड सप्लाई रुकने से क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्लड क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को और किसको, न्यूट्रिशन को देता है। अगर वो नहीं मिलेगा ब्लड, उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर अगर हिप, इसमें जो बात होगी वो हिप की बात होगी। हिप में कौन सी बोन होती है, हिप में जो हमारा हिप जॉइंट बनता है उसमें जो बोन होती है वो होती है फीमर, ठीक है। और इसमें जो बात होगी वो फीमर के हेड की बात होगी, मेजरली मतलब हिप जॉइंट पूरा, फीमर के हेड की भी बात होगी और एसिटाबुलम की बात होगी, मगर मेजरली जो काम आपको नजर आएगा वो हेड ऑफ फीमर पे नजर आएगा। क्या होगा उस पे, कि हेड ऑफ फीमर की जो ब्लड सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, चली जाएगी। अब पूरी चली जाएगी कि आधी चली जाएगी, चली जाएगी तो लौट के आएगी नहीं आएगी, ये सब आगे की बात है। अभी हम इतना समझ रहे हैं कि ब्लड सप्लाई जाने की वजह से जो हेड है वो नेक्रोसिस होना स्टार्ट होने लग जाएगा, यानी सड़ने लग जाएगा। और हम जानते हैं अगर कोई भी चीज सड़ी तो वो टूटेगी, और टूटकर वो क्या हो जाएगा, डैमेज होने लग जाएगा। वो वापिस बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा, वो आगे की कहानी हम उसे आगे समझेंगे, ठीक है। लेकिन सर एक ऐसा ही हमने इंसिडेंट और हमने पढ़ा था, जब हमने, अगर याद हो, हमने जब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था AVN। क्या नाम था, AVN यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस। उसका भी क्या मतलब था, कि जो ब्लड सप्लाई थी वो हेड ऑफ फीमर को, हेड ऑफ फीमर पर रुक रही थी, किसी भी वजह से रुक जाए। मोस्ट कॉमन, हमने जब हमने फ्रैक्चर पढ़ा तो हमने उस टाइम पे फ्रैक्चर बोल दिया था, मगर और भी 10,000 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हेड ऑफ फीमर पर ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो नेक्रोसिस होना स्टार्ट होता है। तो सर फिर इसको एक अलग से बर्थिस डिसीज का नाम क्यों दे दिया, एक एवीएन बोल के खत्म कर देते, फालतू में एक टॉपिक और ऐड कर दिया। है तो ये एवीएन ही ना, ये वेस्कुलर नेक्रोसिस ही तो हो रहा है, कि एक वेसल्स है जो हेड ऑफ फीमर पर, वहां वेसल्स रुक रही है। तो फिर इनमें और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, क्या मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस है जो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में, और वो ही डिफरेंस है जो चिकन पॉक्स और सिंगल्स में। क्या मैंने बोल दिया, व्हाट इज रिकेट्स, रिकेट्स क्या होता है और ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है। रिकेट्स इज अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। व्हाट इज ऑस्टियोमलेशिया, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। व्हाट इज चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स क्या होता है, चिकन पॉक्स हम जानते हैं एक इंफेक्शन है, वायरल इंफेक्शन है, आपने देखा है। व्हाट इज सिंगल्स, ये भी वायरल इंफेक्शन है। तो फिर क्या डिफरेंस है इनमें, रिकेट्स को हम बोलते हैं जब ये होता है बच्चों में, चिल्ड्रन में, और वो ही अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी बड़ों में हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया यानी लैक ऑफ मिनरल्स। वो कब बोलते हैं, जब ये चीज होती है बच्चों में ना होकर किसमें, बड़ों में यानी एडल्ट्स में। है एक ही चीज, बस नाम बदल जाते हैं एज के साथ। ऐसे ही चिकन पॉक्स किसमें होता है, बच्चों में, और सिंगल्स होता है किसमें, अगर वही चीज बड़ों में, जब बूढ़ों में होने लग जाती है, ओल्डर एज में होने लग जाती है, उसको फिर चिकन पॉक्स ना बोल के हम क्या बोलते हैं, सिंगल्स, SHINGLES, सिंगल्स, है ना। और यही एडल्ट में, तो बस यही सेम रिलेशन है आपका AVN और किसमें, यही रिलेशन है आपका AVN और बर्थिस डिसीज में, यही आपका रिलेशन बर्थिस डिसीज में है। बर्थिस डिसीज होती है बच्चों में, चिल्ड्रंस में, और AVN होता है आफ्टर एज ऑफ 20। दोनों में जा ब्लड सप्लाई रही है, लेकिन अगर ब्लड सप्लाई बच्चों में जाती है तो आप उसको बर्थिस डिसीज बोलते हो, और वही ब्लड सप्लाई अगर 20 के बाद जाती है तो आप उसे AVN बोलते हो। क्लियर, दोनों के कॉज अलग अलग है, बर्थिस डिसीज किसी भी कॉज से हो सकती है, क्योंकि दोनों का मेन गोल एक ही है, कि लैक ऑफ क्या, ब्लड सप्लाई का लॉस होना, किसको, हेड ऑफ फीवर को, गोल दोनों का एक ही है।
अब क्या हो सकते हैं, गड़बड़ क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है सिम्टम्स या कॉजेस के एबीएन और एबीएन के एबीएन क्या ब्लड सप्लाई किस वजह से बड़ों में जा रही है उसके अलग रीजन हो सकते हैं, बच्चों में जा रही है उसके अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन गोल एक ही है, होना दोनों में एक ही चीज है क्या, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर, है ना। अब ये याद रखना, लोग लास्ट तक हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर एबीएन तो पढ़ तो चुके हैं, एवेस्कुलर नेकलेस फालतू में ये पैथी डिसीज अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पैथीज डिसीज बच्चों में होती है, इसीलिए उसको तो जब भी पैथीज आएगा तो आप बच्चों के माइंड ऑफ व्यू से लिखेंगे ना, ट्रीटमेंट भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। और भी बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, और क्योंकि क्योंकि डिफरेंस किसके ट्रीटमेंट में पूरा डिफरेंस मिलेगा आपको, डायग्नोस में पूरा डिफरेंस मिलेगा, कॉजेस में पूरा डिफरेंस मिलेगा, सिम्टम्स में पूरा डिफरेंस मिलेगा, मगर जो दोनों का मेन गोल है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ फीमर, बस वो ही सेम है, बाकी सब कुछ दोनों में अलग है। कैसे, जैसे ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में, कि दोनों में अलग अलग है बिल्कुल, लेकिन बस दोनों का मेन गोल सेम है कि विटामिन डी की कमी है। ऐसे ही शिंगल्स और चिकन फॉक्स में, कि वायरल इन्फेक्शन से होता है दोनों, लेकिन दोनों में अलग अलग एज में हो रहा है, अलग अलग सिम्टम्स आएंगे अलग अलग प्रॉब्लम में, लेकिन एक गोल सेम है कि वायरल की वजह से हो रहा है। ऐसे ही इसमें एक गोल सेम है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर, बाकी सब कुछ डिफरेंशिएट होगा, सब कुछ आपको कंप्लीटली अलग अलग देखने को मिलेगा दोनों में। ये चीज बिल्कुल यहां पर आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी इस चीज का डाउट नहीं होना चाहिए कि हम एबीएन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एबीएन को भी पढ़ेंगे, हमने थोड़ी सी एबीएन के बारे में जानकारी ली थी, अगर आपको याद हो, जब हमने फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन, वहां हमने एबीएन को पढ़ा था, यूट्यूब पर डाला पढ़ा था, लेकिन हम फिर भी तो उसको थोड़ा और इलेबरेट करके और अच्छे से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां जो हमने एबीएन पढ़ा था, वो हमने एक माइंडसेट से पढ़ा था कि अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसकी वजह से जो एबीएन हो सकता है, लेकिन एबीएन जरूरी नहीं है फ्रैक्चर की वजह से, और 10,000 बीमारियां जो 20 ईयर्स के बाद हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए, तो फिर हम वो पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइंडसेट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे पैथीज डिसीज, है ना, यानी पैथीज डिसीज। अब ये सबसे बड़ी, इसके दो गोल्डन मार्क है ना, लाइन गोल्डन मार्क जिनको याद करना है, इट इज चाइल्डहुड कंडीशन। अगर आप ये जो लाइन है नहीं लिख के आएंगे, फिर आप कुछ भी लिख के आ जाओ वो गलत हो जाएगा ना। तो क्या, इट इज अ रेयर चाइल्डहुड कंडीशन दैट अफेक्ट द हिप। अब डेफिनेशन वही जो इतनी देर से हम जिसपे हमने पूरा बहस करी, कि इट अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द राउंडेड हेड ऑफ फीमर इज टेम्परेरली डिस्ट्रप्टेड, यानी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्या इस टेम्परेरली डिस्ट्रप्टेड। एबीएन में टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, मगर पैथीज डिसीज में आपका टेम्परेरली डिस्ट्रप्टेड होता है, यानी सर इसका मतलब यह कि जब ब्लड सप्लाई गई तो ठीक है, नेक्रोसिस हो रही है, यानी चीजें टूट जाएंगी, इसका मतलब जब ब्लड सप्लाई लौट के आ जाएगी तो हेड ऑफ फीमर फिर पूरा सही हो जाएगा, बिल्कुल फ्रैक्चर की तरह। कैसे सर, कि जैसे ये आपका हेड ऑफ फीमर था, सॉरी, ये आपका सर हेड ऑफ फीमर है, अब ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, जब नेक्रोसिस होके टूट जाएगा, फिर और फ्रैक्चर में भी सर यही तो होता है कि बोन टूट जाती है, फिर बाद में बोन बनने लग जाती है, तो इसमें भी सर बोन बनने लग जाएगी, बोन ठीक हो जाएगी, बोन हीलिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल, जब जैसे ही ब्लड वापस लौट के आ जाएगा तो वापस इसमें हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये एज रिलेटेड कंडीशन है, ये बच्चों में हो जाती है, फिर टाइम के साथ धीरे धीरे एक एज के साथ ये अपने आप ठीक हो जाती है ना। इसमें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा मैं बताऊंगा किसके अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि हमारा काम ट्रीटमेंट में इसको है, जो प्रोसेस जो हीलिंग हो रही है, बस वो सही तरीके से हो रही है उसे देखो, उसमें कोई डिस्टर्बशन ना आ जाए, हमें ये ठीक नहीं कराना क्योंकि ये खुद ठीक होगी, इसमें ब्लड सप्लाई रुकेगी और खुद लौट के आ जाएगी, लेकिन है ना ये बात याद रखना है, हमारा इसका जो पूरा ट्रीटमेंट पढ़ोगे तब देखोगे, इसका जो ट्रीटमेंट का गोल रहेगा वो यही रहेगा कि आपका जो काम क्या है, कि जब एक बार चीजें टूट गई उसके बाद जब हीलिंग स्टार्ट हो गई, और मैं बताऊंगा हीलिंग कैसे होगी, सब कुछ बताऊंगा, सब चलेगा, तो उसका उस पर हमें जो देना है कि कुछ फैक्टर जो हीलिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, हमारा ध्यान बस उन पर होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, विदाउट एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई बोन सेल्स डाई, बिल्कुल सर सिंपल सी बात है कि बोन सेल क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। इसलिए एबीएन जो वर्ड, अगर जब भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस, देखो एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या है, नाम में ही है, वेसल्स की सप्लाई रुक जाना उससे नेक्रोसिस हो जाना, लेकिन अगर कभी भी एबीएन लिख के आ रहा है प्रॉपर, तो आप फिर कौन सा ओल्डर, जो अभी पूरा हम अगले दिन जब पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे, तो पूरा बताऊंगा, जो फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन में भी पहले बता चुका हूं कि 20 ईयर्स के बाद होता है, ठीक है, लेकिन दोनों का एक ही रीजन है
ब्लड सप्लाई का रुक जाना। अब परथिस डिसीज के और दो चार नाम याद कर लो जो बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या आ सकते हैं? पहला नाम तो परथिस डिसीज ही है, ठीक है। परथिस डिसीज का मतलब क्या है? हिप नेक्रोसिस, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए हिप नेक्रोसिस इन चिल्ड्रन, तो आप परथिस डिसीज ही लिख के आएंगे। 2 मार्क्स में आ जाता है हिप नेक्रोसिस इन चिल्ड्रन, बस इतना लिख देंगे, है ना। या फिर चिल्ड्रन से हिप नेक्रोसिस, ऐसा कुछ भी लिख के आ जाए, दैट मींस कि ये आपसे परथिस डिसीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, एबीएन के बारे में नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया हिप? पहला कौन कौन से नाम हो गए, ये नाम याद करते चलो, यहाँ पर नाम याद कर लेना, क्योंकि ठीक है। परथिस का पहला मैंने क्या बोला कि हिप नेक्रोसिस इन किस में आ जाए, चिल्ड्रन में। अगर हिप नेक्रोसिस इन चिल्ड्रन या चिल्ड्रन, आप समझ रहे हो, वो तो एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी हो गई है ना कि चिल्ड्रन आगे लगा के आपको, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा अलग से बता दिया है। बाकी और जो डिफरेंट नाम है वो होता, पहला होता है लेग कालोपर्थिस, LEGG, लेग काल्व, CALVE, लेग काल्व, ठीक है। लेग काल्व और परथीस तो आपका इसका नाम है ही है, ठीक है। परथीस, लेग काल्व परथीस, इस नाम से इसको बोला जाता है, ठीक है। और क्या नाम से आ सकता है? कॉक्सा प्लेना, कॉक्सा क्योंकि हेड अफेक्ट हो रहा है ना फीमर का, तो कॉक्सा प्लेना। प्लेना क्यों? क्योंकि वो हेड टूट के प्लेन, तो कॉक्सा प्लेना, कॉक्सा प्लेना, ठीक है। एक ही के नाम हो गया। एक नाम और होता है, क्या नाम होता है? सूडो कॉक्सल जिया। सूडो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बाद में फिर हील हो जाता है, याद रखना, ठीक है। बाद में ये पूरा ठीक हो जाता है, आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा डैमेज हो गया, लेकिन ये खुद हील हो जाता है। तो सूडो SUDO कॉक्सल जिया, COXALGI, ठीक है, कॉक्सल जिया, ठीक है। ये चार नाम इसके याद रखने हैं, हिप्नोकोइक चिल्ड्रन, लेग कालोपर्थिस, कॉक्सा प्लेना और सीडोकॉक्सेलजिया। किसी भी नाम से आ जाए आप परथिस डिसीज ही लिख के आएंगे। ये नाम बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं नाम पे ध्यान नहीं देते। मैं और पढ़ता हूँ, लेकिन और भी मेरा हमेशा को टॉपिक पे ध्यान होता है कि कोशिश कैसे भी करो कि इसके और कई नाम है वो पता कर लो, क्योंकि एग्जाम का, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है, क्योंकि वो उसने आपको मालूम है पढ़ा है, बस वो एक छोटी सी चीज पे घुमा देता है कि इसका दूसरा नाम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसलिए मैं हर में कोशिश करता हूँ कि जिसके जितने भी उसके एक्स्ट्रा नाम अगर कहीं भी मिल रहे हैं तो हम उस पर बात कर सके, ठीक है। कौन कौन से हमने नाम बोले? पहला ना हिप नेक्रोसिस चिल्ड्रन, लेग काल्व पैरथीस, LEGG, CALVE, काल्व पैरथीस है ही है, कॉक्सा प्लेना, COXA, कॉक्सा प्लेना, PLANA, प्लेना। और फोर्थ वन सूडो, सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स, PSUDO, सूडो। और कॉक्सेल जिया, COXALGIA, ये कॉक्सेल जिया, ठीक है। ये चार इसके नाम हो गए। अब क्या लिखा है? परथिस डिसीज आल्सो नोन एज लेग काल परथिस। दो नाम इसमें नहीं लिखे हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में समझा दी, ठीक है। दैट इज कॉक्सा प्लेना एंड सूडो कॉक्सल जिया। अब पैथोलॉजिकल, देखो इसकी पैथोलॉजिकल 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है? मेन जो आप स्टेज लिख के आओगे वो 4 स्टेज लिख के आओगे, कैसे ये टूटता है और कैसे हील होता है, इनको याद रखना। लेकिन मेजर डी को अभी 4 स्टेज पे हम बात करेंगे, उनको और अच्छे से समझेंगे। पहला क्या होता है? स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस। दूसरा स्टेज ऑफ ट्रेबिक्यूलर नेक्रोसिस और स्टेज ऑफ हीलिंग। नाम में क्या समझ रहा है? साइनोवाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ दी साइनोवियम। क्या होता है कि सबसे पहले आप जानते हो कैसे, ये आपका क्या है, ये आपका हेड ऑफ फीमर है, ठीक है। और ये इधर आपका एसिटाबुलम है, ठीक है। ये इस तरीके से एक जॉइंट बनता है, बीच में क्या साइनोवियम फ्लूड रखा हुआ होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें मालूम है ब्लड सप्लाई रुकेगी चीजों का, तो क्या होगा, तुरंत इन्फ्लामेशन वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। आप हमेशा जानते हो कोई भी चीज बॉडी में प्रॉब्लम हो, चाहे बॉडी की वजह से हो रही हो, लेकिन इन्फ्लामेशन तो होना ही है। तो क्या होगा, तो वहां पर जो उनके बीच में साइनोवियल फ्लूड होता है उसका इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो क्या होता है, फिर वो इन्फ्लामेशन बढ़ता है, और बढ़ने के बाद जो ये आपका फीमर है इसके जो ट्रेविकुलाई होते हैं उनका नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रेविकुलाई आपने देखे होंगे, अगर आपने कभी फीमर बोन देखी उसके ऊपर जो लाइनिंग्स बनी होती है उन्हें ट्रेविकुलाई बोलते हैं,
क्लेविकुलाई ऑफ फीमर, ये जो बोन्स के ऊपर लाइनिंग बनी होती ना इस तरीके से, ये क्या लाइनिंग होती है, इनका काम क्या होता है, ओरिजिनल बोन के ऊपर इस लाइनिंग क्यों बनी होती है, क्या काम होता है, इनका काम होता है वेट ट्रांसफर कराना, इस तरीके से देख रहे हो, ये ओरिजिनल है, ये ऐसे ट्रेविकुलर ऐसे बनी होती है, क्यों बनी होती है, इनका काम होता है वेट को प्रॉपर ट्रांसफर कराना, अगर एक ही जगह पर वेट ट्रांसफर तो वहां पर टूट जाएंगे, तो इस तरीके से अलग अलग बनी होती है, कुछ वेट इस तरीके से ट्रांसफर हो, कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके इधर आए, कुछ इधर आए, तो इनका काम होता है कि वेट को प्रॉपर ट्रांसमिट करा जाए, वरना अगर एक ही जगह पर वेट पड़ जाएगा तो वो टूट जाएंगे, तो यही ट्रेविकुलाई इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इन्हीं में बोन सेल्स होते हैं आपके, तो उनका नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि हमने बोला कि इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो कैसी है, टेम्परेली है, यानी डिस्टर्ब होगी मगर फिर आ जाएगी, यानी स्टेज ऑफ हीलिंग यहां पर होनी है, तो ही नेक्रोसिस के बाद क्या, एक बार जब चीजें टूट जाती है फिर कुछ टाइम पीरियड बाद ऑटोमेटिक हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब कैसे क्या होता है वो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, अब सर ऐसा क्या, ठीक है, ये तीनों स्टेज पे बात कर ली, इसके बाद हम एक जो चौथी स्टेज, वो मेजर हम चार स्टेजेस पढ़ेंगे, उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे नेक्रोसिस होता है, कैसे टूटती है, रिओसिफिकेशन हीलिंग कैसे होता है, ठीक है। ये पैथोलॉजिकल स्टेज है कि कैसे पहले इन्फ्लामेशन हुआ, फिर ट्रेविकुलाई वो नेक्रोसिस में चली गई, और फिर उसके बाद हीलिंग होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा हमारा जो मेन फोकस होगा वो स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो उन चार स्टेज पे, कि कैसे ये स्टार्ट हुई, बीच में क्या हुआ, और कैसे ये प्रॉपर ठीक हो गई। लेकिन उससे पहले सर ये क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स जो लूज कर रही थी ब्लड, उसका रीजन क्या है, क्या रीजन है सर उसका, और ऐसा ऐसा क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल लूज कर जाती है और फिर वापस ब्लड आ रहा है, अगर लूज हो रहा है तो परमानेंटली लूज हो जाना चाहिए, ऐसा टेम्परेरी क्यों हो रहा है सर, कि कुछ टाइम पीरियड के लूज हो जाता है फिर ठीक हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कॉज है अननोन, सबसे बड़ा क्या कॉज है, अननोन, पता ही नहीं है क्यों ऐसा बच्चों में क्यों होता है, इट इज कंप्लीटली अननोन, हमें नहीं पता कि ये बच्चों में क्यों ऐसा क्या कंडीशन हो जाती है कि हिप पे जो ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है और फिर कुछ एज बाद अपने आप ठीक हो जाती है, नहीं पता, जिसका कोई नहीं होता फिर उसका भगवान होता है, तो सब बोलते ना, तो जिसका कोई रीजन नहीं है उसका एक रीजन होता है क्या, जेनेटिक, बस वही बना देते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि कॉमनली ये जेनेटिक में मिलते, जेनेटिक इसका रीजन मान लिया गया है, हमेशा यही होता है, जिसका आंसर नहीं होता ना उसको जब भी कभी भी कोई भी डिजीज पड़ लेना, जिसका कॉज नहीं होगा ना उसका पहला कॉज जेनेटिक बना देंगे, क्योंकि वो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है और क्या बना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या लिख के आओगे कि जो पहला इसका कॉज है ना वो अननोन है, क्या कॉज है, अननोन, दूसरे नंबर पे सर ड्यू टू अननोन कॉज, ऐसा देखा गया है कि मेजरली किन लोगों में मिल रहा है, जेनेटिक में मिल रहा है बस, और कुछ नहीं है, नहीं पता कैसे, क्या पता कैसे होती है, कोई नहीं जानता, ठीक है। अब ये डिफरेंट, अब क्या होता है देखो, अब सिम्टम्स पे और किस में क्या ज्यादा होती है ये हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं बात करते हैं सिम्टम्स, इन सबको छोड़ो, आगे बात करेंगे, अभी मेन हमारा गोल है कि सर स्टेजेस समझते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, नेक्रोसिस कैसे स्टार्ट हो जाती है, फिर बोन कैसे टूटती है, फिर हील के होना कैसे स्टार्ट हो जाता है, कितने टाइम पीरियड बाद और कंप्लीटली हीलिंग कब तक हो जाती है, ठीक है। इन चार स्टेज पे बात करेंगे, चारों स्टेज में नाम में समझ आ रहा है क्या होगा, सबसे पहले ब्लड सप्लाई रुकेगी यानी नेक्रोसिस हो जाए, होना स्टार्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, जैसे ही नेक्रोसिस होगा सर बोन टूटना स्टार्ट हो जाएगी, यानी फ्रेगमेंटेशन, बोन का टूटना, बोन टूट जाएगी ऑटोमेटिक सर ब्लड सप्लाई लौट के आ जाती है, क्यों आ जाती है सर हमें नहीं पता, कॉज नहीं जानता कोई, अननोन कॉज है वो, जाती क्यों जब यही नहीं पता तो आ कैसे, आना वाला कैसे पता होगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है उससे, रीऑसिफिकेशन यानी बोन फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीटली, ओके, बोन फिर कंप्लीटली जैसा हेड ऑफ फीमर पहले जैसा होता है वो पहले के वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है और हीलिंग कंप्लीटली हो जाती है, ठीक है। अब इसको एक एक करके थोड़ा डीप में इसके बारे में हम जानकारी देते हैं, सिम्टम्स वगैरह ये सब अभी इसके बारे में हम थोड़ा डीप में बात करेंगे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा अभी यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले स्टेजेस तो समझ लें होता कैसे, फिर अच्छे से नीचे सिम्टम्स लिखा हुआ है, बड़ी अच्छे से सिम्टम्स वगैरह सब कुछ समझेंगे कि बॉयज में कब क्या होता है, किसमें फीमेल है, कुछ में कॉमन है, किस एज में क्या कॉमन है, ना सब बात करेंगे हम, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या चार स्टेज है अभी हमने बात करी थी एक एक करके, पहली कौन सी स्टेज थी, इनिशियल नेक्रोसिस, इन दिस स्टेज, अब ये तो बिल्कुल हम समझ रहे हैं, इन दिस स्टेज देखो जो लिखा है वो ही हम जितनी देर से बोल रहे हैं वही होगा, इन दिस स्टेज ऑफ द डिसीज द ब्लड सप्लाई टू द फिमोरल हेड इज डिस्टर्बड, रीजन नहीं पता सर, एंड बोन सेल डाई, सीधी बात है मरेंगे,
ऑफ द एरिया बिकम इंटेंसली इन्फ्लेम्ड एंड इरिटेटेड एंड डिफिकल्टी वॉकिंग। अब बच्चों अब बिल्कुल दिमाग लगाओ, हमने हमें कहा बच्चों जैसी बात है कि कभी भी कोई चीज डिस्टर्ब होती है वहां पर इन्फ्लामेशन तो होना ही होना है, क्योंकि हील ठीक होना है, इन्फ्लामेशन तो हर जगह पर है बॉडी की, कभी भी कुछ भी इन्फ्लामेशन तो हमेशा ही आता है। हम न्यूरो पढ़ चुके हैं, अभी तक इतना सब कुछ पढ़ते हैं और हमेशा से एक ही बात समझते हैं बॉडी में कभी भी कुछ गड़बड़ी हो उस जगह पर तो हीलिंग होना बॉडी कराएगी ही कराएगी, और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन तो होना ही होना है। और इन्फ्लामेशन के जो 5 मेजर पॉइंट है वही हमें तकलीफ देते हैं, तो उनका होना जरूरी है। क्या 5 पॉइंट होते हैं बार बार हम बात करते हैं, डेट इज पेन। दूसरा उस जगह पर क्या होगी, रेडनेस। उस जगह पर क्या होगी, हीटिंग यानी टेम्परेचर वहां का इंक्रीज हो जाएगा। और उस जगह पर क्या होगी, इरिटेशन। और उस जगह पर क्या होगी, स्वेलिंग। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमेशा होते हैं एक जगह पर, यानी सर यहां पर भी वो 5 पॉइंट तो मिल रही है, तो पेशेंट को पेन भी होना है ना, हिप जॉइंट के आसपास का एरिया रेड भी मिलेगा आपको, वहां पर आपको इन्फ्लेम्ड क्या डिबे क्या होगा, एक हीटिंग भी फाइंड होगी, इरिटेट होगा पेशेंट जब इस सब की वजह से, और वहां पर आपको क्या इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग भी मिलेगी, और जॉइंट मरे तो पेन की वजह से तो डिफिकल्टी में वॉकिंग में तो आएगी, है ना। और इसके स्टार्टिंग फेज में हम वैसे भी पेशेंट्स को बहुत ही कम बोलते हैं कि वॉकिंग करो, की चीजें वैसे ही टूट रही। अच्छा बहुत बच्चों जैसी बात सोच के देखो, ये क्या है, ये एकदम ऐसा हो रहा है कि चीजें टूट रही हैं, और अगर आप बोलोगे पेशेंट को और ज्यादा चलो, चलोगे तो वो ज्वाइंट टकराएगा, और जिस स्पीड से टूट रही थी उस स्पीड से इंक्रीज होगी, पेन और होगा। तो इन लोगों को क्या गोल्डन रूल मिलेगा कि सर ये जैसे ही कुछ एक्टिविटी करेंगे पेन बढ़ेगा, और जैसे ही रोक देंगे तो सर पेन कम होने लग जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो इनको डिप वॉकिंग वगैरह ये सब करेंगे तो सब क्या है, डिफिकल्टी होगी, तो एरिया बिकम इंटेंसली इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड यानी स्वेलिंग दिखेगी वहां पर। एंड क्यों, क्योंकि अभी इन्फ्लामेटरी के मैंने 5 पॉइंट बता दिए, पेन मिलेगा है ना, एंड इरिटेशन एंड डिफिकल्टी वॉकिंग, तो और वो तो हो रही है, क्योंकि एक बात सोचो जब ज्वाइंट में, जब ज्वाइंट हेड ऑफ फीमर ही डिस्टर्ब हो रहा है तो कैसे मूवमेंट होगा उस जगह पर, ज्वाइंट का तो मोशन वहां